आई वुड हैव हेल्प्ड हिम राइट ठीक है नेक्स्ट इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पोंड पॉजिटिवली टू हिम आई क्यों क्योंकि एक टीचर की बात हो रही है राइट नेक्स्ट द मास्टर डिड नॉट नो व्हिच ऑफ द सर्वेंट्स राइट क्यों क्योंकि मैंने आपको रोल भी करवाए थे राइट ये करवाने हैं अभी राइट ठीक है इसमें लग गया तुम्हें पता जैसे आर द ओनली राइट ये क्योंकि बीइंग वाले रोल आपके हुए नहीं है डैड वाला होगा राइट और इट इज डिफिकल्ट टू से इन क्योंकि कोई द बैटरी डिस्ट्रॉयड है यहाँ पे विच इज द बेटर विच इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स ओके डिसीजन तो होगा बट आप कैसे कह रहे हो सिलेक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे आप क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो क्या आएगा नहीं नहीं इट इज डिफिकल्ट टू से कह दिया मैंने तो क्या दिक्कत है कि ये कहना मुश्किल है दोनों में से कौन बेटर है बट यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे हम सिलेक्शन वाइज बात कर रहे हैं राइट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं सिलेक्शन में हु नहीं आता दोनों में से चूज करना है ना तो विच आएगा सिलेक्शन के लिए विच आता है ना दो ऑप्शन में से एक को चूज करना है तो राइट कंप्लीट दिस जॉब राइट क्यों क्योंकि इसमें वो तो हो रहा है बट क्यों होगा रीजन व्हाई हर हमने यूज क्यों किया है यहाँ पे क्योंकि राज का नहीं राज का केस नहीं है लेट का केस है पहला पहला दिन क्या था ना लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस अपना नाउन होता है नाउन तो वैसे ही रहेगा नाउन का तो फर्क नहीं पड़ता लेट के साथ लेट बट एक्सेप्ट सबके साथ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है पहले पहले दिन सबसे पहले प्रोनाउन में सबसे फर्स्ट रोल यही करवाया था मैंने नेक्स्ट इट वाज द ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द प्रेजेंट्स कुड गेट देयर शेयर ऑफ ईच ऑफ द प्रेजेंट्स किस किस शेयर ईच है ना तो ईच अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है तो सिंगुलर ही चीजें लेके चलता है तो सिंगुलर ही प्रोनाउन लेगा वो राइट नेक्स्ट इसमें दो जाना है दे के प्लेस पे राइट ठीक है दे दैट रन आफ्टर पेमेंट मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड नहीं दोज दैट रन ऐसी चीजों में जहां पे हमें पता नहीं होता हम डेफिनेटली किसकी बात कर रहे हैं तो वहां पे दीज दोज यूज किया जाता है राइट ओके सो जो बचे हुए रूल्स से प्रोनाउन के वो हम कवर कर लेते हैं हमने कहां तक कर लिया था दैट का खत्म हो गया था सारा द बेस्ट एंड ऑलवेज लास्ट रूल हमने यही किया द बेस्ट एंड ऑलवेज टेक रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ दैट हाँ ये जो अभी रूल अभी आया भी था राइट वन ऑफ द केस ऑफ ह्यूमंस दैट या फिर हु राइट ओके ये कहाँ तक हो गया था इससे आगे कहाँ तक कर लिया हमने ओके वन ऑफ केस स्टार्ट किया था राइट ओके तो वन ऑफ केस में सबसे पहले तो हमेशा अपने साथ ये प्लूरल लेते हैं फिर उसके बाद इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है राइट अब रिलेटिव प्रोनाउन में हु या फिर दैट राइट ठीक है ह्यूमंस के केस में दैट और हु दोनों यूज हो जाते हैं ठीक है एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये रूल भी लिखवा दिया था ओके तो हमने क्या था वन ऑफ द केस ह्यूमंस का राइट वन ऑफ द केस जो ह्यूमंस का है ये अपने साथ दैट एंड हु दोनों रिलेटिव प्रोनाउन ले लेते हैं
ओके फिर उसके बाद जो एनिमल्स का है सुबह से ऐसे हो रहा है अभी हूँ ओके एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अपने साथ दैट लेते हैं एनिमल्स वन ऑफ के केस में एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स टेक द रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ दैट यहीं पे कर रहे हैं ओके मुझे तो ऑफिस से आवाज आ रही है ओके एंड नेक्स्ट कर लिया था हमने मुझे ये मुझे याद है मैंने आपको रूल करवाया था वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसे तो लेक्चर ही वेस्ट ओके अब देखो कुछ एक्सरसाइज इसकी गोल्ड who which that gold who which that is or are found in south africa is the purest gold that is found in नहीं यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे विच का केस आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे गोल्ड हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है राइट प्रॉपर नाउन है और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक बात हो रही है कि एग्जैक्टली जो साउथ अफ्रीका में मिलता है वही वाला राइट ठीक है फिर लिखो गोल्ड क्योंकि अभी जो आपने रूल किया वो कौन सा रूल था वन ऑफ के केस वाला क्या सेंटेंस वन ऑफ आया नहीं आया तो वन ऑफ का केस आया नहीं तो वो वाला रूल हमारा अप्लाई नहीं होगा तो सिंपल कि जब हम एक सिलेक्शन वैसे ही बात कर रहे हैं कि जो मिलती है तो उसके लिए जो यूजली हम विच लगाते हैं वही रहेगा जो हमने अभी अभी रूल किया है कि वन ऑफ द केस एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में अपने साथ दैट लेता है विच नहीं लेता या हु नहीं लेता राइट ठीक है नेक्स्ट करो गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स Who, which or that is or are sold in India? इसमें तो डेट आ जाएगा राइट फिर हेल्पिंग वर्ब इज आएगी आ आएगी आ आएगी देखो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है गोल्ड उन मेटल्स में से एक है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी दी जा रही है मेटल्स की जो इंडिया में बेचे जाते हैं वैसे भी हु और विच किससे पहले लगते हैं जिसकी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वहां पे देखो वहां पे हम सिंगुलर क्यों लेके चले थे क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन ही गोल्ड की दी जा रही थी सबसे बेसिक रूल ये मैंने शायद आपको सिंपल करवाया भी था ना कि रिलेटिव प्रोनाउन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उस चीज की चाहे वो दैट भी क्यों ना हो तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसकी दी जा रही थी विच के साथ आया गोल्ड तो वो जाना था अब यहाँ पे हमारा विच चाहे दैट जो भी आया वो तो चलो प्रोनाउन का रूल हो गया राइट बट फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर सिंगुलर है राइट ठीक है अब देखो यहीं पे ही अगर मैं बात करूं इज वन ऑफ द मेटल्स अब इससे आगे भी कुछ भी आएगा इसके अकॉर्डिंग गया ना वो राइट एडिशनल हु विच दैट देते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद क्या रखना है इसमें रूल की उससे पहले ही जो वर्ड होता है उसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सो नाउ इफ दैट इज सिंगुलर वी विल टेक अ सिंगुलर वर्ब दैट इज प्लूरल वी विल गो फॉर अ प्लूरल वर्ब राइट सो यहाँ पे
इस केस में हम सिंगुलर क्यों लेके चले, बिकॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन वॉज ऑफ गोल्ड. नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑफ मेटल्स नॉट गोल्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई इट वुड टेक प्लूरल वर्ब. ओके नेक्स्ट लिखो, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर द मेटल्स, आर द मेटल्स हु विच दैट इज और आर सोल्ड इन इंडिया, हु विच दैट इज और आर सोल्ड इन इंडिया. Now in this case, थोड़ा सा मैं आपको रूल्स रिवाइज करवा देती हूँ, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. हमने सबसे पहले रूल किया था कि हु लगता है ह्यूमंस के साथ, विच लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, राइट? एंड एनिमल्स के साथ, राइट? एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच लगता है. फिर हमने दैट कब किया था कि चाहे ह्यूमंस का केस हो, चाहे एनिमल्स का, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स का, दैट कब लगता है? जब इनडेफिनेट हो, वो और विच जब हम एग्जैक्टली पता होता हम किस चीज की बात कर रहे हैं. दैट लगता है when we don't know exactly about which particular thing we are talking about. Remember ki where is the dog that bit me, hame nahi pata, samne bhi nahi hai, indefinitely bahut sare dog hai, tum puch rahe ho kahan hai wo jisne mujhe kaata, right? Now the other sentence was this is the dog which bit me, definite hai, hame pata yahi wala hi hai, right? So wo wala case ho gaya. Fir humne kiya abhi one of the case, one of the case mein. अब वन ऑफ का केस तो जो रूल अपने साथ देता है दैट इज डिफरेंट थिंग. साथ में हमने ध्यान क्या रखना है कि चाहे वन ऑफ का केस उस सेंटेंस में आ गया, राइट, बट उसके इन एडिशन टू दैट इस चीज का ध्यान रखो कि विच और दैट उसी एक चीज से पहले लगते हैं जिसकी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट? तो अगर उस सेंटेंस में वन ऑफ का केस नहीं है तो हमारे बाकी वही सिंपल रूल चलेंगे, राइट? राइट, ठीक है. कि यहाँ पे देखो कि गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर द मेटल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन किस चीज की है? मेटल्स की, राइट? वन ऑफ का केस है ही नहीं तो विच आएगा, राइट? फिर उसके बाद, अब उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की भी तो बात हो रही है ना. या तो ऐसे कहा जाए कि पता ही नहीं है किस टाइप के गोल्ड इंडिया में बिकता है, तो दैट आएगा. फिर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर दैट विच काइंड ऑफ गोल्ड इज सोल्ड इन इंडिया, राइट? ठीक है, नहीं बट वो अलग सेंटेंस बनेगा. आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज द गोल्ड, कि मुझे नहीं श्योर है इस चीज का कि ये वाला जो गोल्ड है, अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज सोल्ड इन इंडिया. हमें नहीं पता कि वो वाला है या नहीं है. We are not definite about it. Now we will use that. Otherwise, which, right? जो changes कहाँ पे आते हैं? Just in the case of one, one of, right? One of के case में भी जिस चीज की हम additional information दे रहे हैं, अगर उस चीज के साथ है तो वो helping verb वगैरह हमारी सारी उसी चीज के साथ जाएगी, right? Next up, I hope सारे आप अपने आप करोगे. अभी एक बार confirm के लिए कि which are sold in India, यही था ना, जो भी last which और आ आएगा उसमें. Rice, rice, who, which, that is or are, rice, who, which, that is or are consumed in India, consumed in India is of or are of, is or are of good quality. नेक्स्ट लिखो, राइस इज वन ऑफ द ग्रेन्स, राइस इज वन ऑफ द ग्रेन्स हु विच दैट इज और आर कंज्यूम्ड इन इंडिया. नेक्स्ट, राइस व्हीट एंड मेज, राइस व्हीट and maize are the grains, rice, wheat
and maize are the grains. Who which that is or are consumed in India? Who which that consumed? Are is or are consumed in India? हाँ जी मैं लास्ट वन जो है राइस एंड मेज इसका नाम सेम है आर द ग्रेन्स व्हिच आर कंज्यूम्ड इन राइट अबव राइस इज वन ऑफ द ग्रेन्स इज वन ऑफ द ग्रेन्स दैट दैट आएगा ग्रेन्स आर राइट क्योंकि दैट अब दैट किसके लिए आया ग्रेन्स के लिए तो अब हम हेल्पिंग वर्ब आर की लेंगे राइट ठीक है फर्स्ट राइस राइट क्यों क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ का केस है नहीं विच आना है विच किसके लगे लगा है राइस के लिए राइस सिंगुलर है इज लगेगा यहाँ पे ग्रेन्स के लिए की एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो वन ऑफ का केस है दैट लगना है और ग्रेन्स प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा यहाँ पे राइस वीट एंड मेज आर द ग्रेन्स विच तो तीनों के लिए विच लगा है तो आर आ जाना है क्योंकि वन ऑफ का केस है नहीं तीनों नाउन है हमारे पास तो तीन ही हमारी प्लूरल ही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी राइट ठीक है ओके अब द ओनली का केस करते हैं द ओनली के केस में भी हमारे साथ दैट आता है और वर्ब हमारी सिंगुलर आती है राइट ठीक है एग्जांपल लिखो ध्यान से एग्जांपल देखना चेंज कहाँ पे आ रहा है क्या नहीं पुराने रूल्स के साथ भी ठीक बताना है एग्जांपल लिखो सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स Sachin is one of the players who which that is or are selected in the team. Dusra likho. Sachin is the only one of players. पहले वाला सेंटेंस हो गया इज इट डन ओके सो सचिन इज द ओनली वन ऑफ प्लेयर्स सचिन इज द ओनली वन ऑफ प्लेयर्स हु विच दैट इज और आर कॉल्ड द मास्टर ब्लास्टर Sachin is one of the players that are selected. इस केस में हु भी आ सकते हैं क्यों क्योंकि मैंने आपको रूल करवाया नॉन लिविंग थिंग्स के केस में बस दैट आता है लिविंग थिंग्स के केस में तो हु और दैट दोनों आ जाते हैं राइट तो इस केस में हमारा हु और दैट दोनों आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी प्लूरल क्यों क्योंकि हु दैट से पहले या हु से पहले क्या है प्लूरल तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सेकेंड हाँ जी एग्जैक्टली वेरी गुड ओके नेक्स्ट रूल्स ऑफ बीइंग लिखो
तो जो हमारा वो जो क्वेश्चन था वो सिंपल था, उसमें क्या था कि बीइंग के रूल में सबसे पहले क्या होता है कि नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद बीइंग, राइट। हमें हमेशा उससे पहले प्रोनाउन चाहिए होता है, आई बीइंग अ टीचर, ही बीइंग अ टीचर, शी बीइंग अ टीचर, नॉट एग्जैक्टली बीइंग अ टीचर, राइट। हमें हमेशा उससे पहले प्रोनाउन चाहिए होता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, राज बीइंग अ टीचर, आई बीइंग अ टीचर, ही बीइंग अ टीचर, राइट। ठीक है, उसके बाद सिंपल यही था, और बीइंग का और कोई रोल नहीं होता। बीइंग के केस में नाउन या प्रोनाउन वहां पे आना ही होगा, अदरवाइज दैट इज रॉन्ग। ओके, एक सेंटेंस लिखो। सना बींग अ ग्रेट आर्टिस्ट, सना बींग अ ग्रेट आर्टिस्ट, शी हैज वॉन मैनी अवार्ड्स। सना बींग अ ग्रेट आर्टिस्ट, शी हैज वॉन मैनी अवार्ड्स। कुछ एरर लग रहा है सेंटेंस में? एरर है, क्यों 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 नहीं लग रहा? क्योंकि बोलते ही हम इंडिया में यूजली बोले ही ऐसे जाता है, बीइंग अ टीचर आई विल नॉट डू दिस, राइट। बीइंग अ टीचर आई शुड नॉट डू दिस। बीइंग अ ग्रेट आर्टिस्ट, शी शुड वॉन द अवार्ड, राइट। देखो ऐसा होता नहीं। अभी मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन बिगिनिंग में, नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या लगते हैं? बिगनिंग में। तो हो क्या जाता है, हम फिर उसको रिपीट नहीं करते, चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है। ऑब्वियसली सेम नाउन को तो हम बार बार रिपीट करते ही नहीं। जैसे उसी सेंटेंस को लेके चल लेते हैं, आई बीइंग अ टीचर शुड नॉट डू दिस, आई बीइंग अ टीचर विल नॉट डू दिस, आई दोबारा नहीं आएगा। सो इस केस में, सना वाले केस में क्या हुआ, नाउन ऑलरेडी बिगनिंग में आ गया, राइट। सना बींग अ ग्रेट आर्टिस्ट हैज वॉन मैनी अवार्ड्स, शी दोबारा वहां पे नहीं आएगा। या तो बींग के केस में ये एरर आएगा कि बिगिनिंग में नाउन या प्रोनाउन लगा नहीं होगा, सेकंड क्या एरर आ सकता है, ये, राइट। सो नाउ दैट्स इट अबाउट प्रोनाउन। ओके ओके, सो अब हम करते हैं वर्ब की बात, राइट। ठीक है, आपके आई थिंक नोट्स पहले ही वर्ब के होंगे। तो इसके नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे जो एब्सेंट होते हैं फिर ये कवर कैसे करते हैं? मुझे नहीं लगता कि जो एब्सेंट हो रहे हैं फिर वो इस लेक्चर को भी इतना सीरियसली लेंगे। पेज नंबर 17। ओके, वर्ब होती क्या है? वर्ब बेसिकली, वर्ब से हमें क्या पता चला? हमें टाइम का वर्ब से पता चलता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, राइट। हमें एक्शन का पता चलता है, टाइमलाइन एंड ऑल टेंसेस का, सबका बेस ही यही है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास तीन टाइप की वर्ब होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, राइट। ठीक है, जो मेन वर्ब है वो दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, राइट। ट्रांजिटिव कौन सी होती है? ट्रांजिटिव होती है जिसको कंप्लीट होने के लिए अपने साथ, हाँ जी एग्जैक्टली, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, जैसे ही स्टडीज डेली, ये तो चलो वो भी कंप्लीट हो गया अपने आप में। He helps him, इसको रहने दो, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो प्रेपोजिशन लेती है फिर अपने साथ, राइट। He is talking to me, that is intransitive verb.
preposition add. Exactly. Right. Now, what are auxiliary or helping verbs? Auxiliary or helping verbs, जिससे हमें tense का पता चलता है and all. Right. होती कौन कौन सी auxiliary and helping verb हमारे पास? Do, does, did, has, have, had, was, were, be की सारी forms यहाँ पे आ जाती हैं हमारे पास. Right. इसके बाद हमारे पास मोडल वर्ब आ जाती है. मोडल वर्ब का हमारे सिंपल मोडल्स जिससे हमें पॉसिबिलिटीज का पता चलता है. इसमें कुछ है नहीं है सच. आगे चलो, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे. हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने की जरूरत है. आई थिंक मैंने पहले दिन भी टेबल बनवाई थी ना. राइट. हाँ, तो वो यही पार्ट था, वर्ब्स का पार्ट था. उस दिन भी हमने कवर कर लिया था. ओके. बाकी जो भी है, ये जितना भी मैं टेंसेस की पहले एक टेबल बनवाऊंगी, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाना है. ठीक है. ओके. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं. आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीनिंग कि सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना ही पड़ता है. राइट. अदरवाइज यही तो एरर्स आते हैं हमारे पास हमेशा. ठीक है. तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला तो एक लिखो मैंने. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टाइटल दो पहले तो. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. मैनी प्लस नाउन प्लस वर्ब. मैनी के साथ नाउन भी प्लूरल होता है एंड वर्ब भी प्लूरल होती है. राइट. For example, many books are there, right? Many books are in the library, whatsoever you want to say, right? फिर ऐसे ही a great many भी होता है हमारे पास. A great many का case भी same ही रहता है. Noun भी plural and verb भी plural. A great many books are sold. क्योंकि देखो ना, वहां पे स्पेसिफिकेशन थोड़ी बात हो रही थी. हम एक रैंडम बात कर रहे थे. द साइंटिस्ट तो स्पेसिफिक साइंटिस्ट हो गया ना, एक ही साइंटिस्ट. ए आर्टिकल और द आर्टिकल में सिंपल ए और एन और द में क्या डिफरेंस होता है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग. अब फिर हम यूज करते थे द किंग वॉज. राइट. यहाँ पे अब स्पेसिफाई हो गया क्योंकि बहुत सारे किंग्स हुए हैं टाइम टू टाइम. राइट. यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं, यहाँ पे हमें इनडेफिनेट है किसकी बात हो रही है नहीं पता. राइट. अच्छा, एक राजा की बात हो रही है. अब एक राजा आ गया हमारी पिक्चर में. अब उसी किंग के बारे में बात हो रही है, जितनी भी बात हो रही है अब नाउ वी नो किस चीज के बारे में. राइट. अब मैं आपको बोलूं कि इवन दो यू डोंट नो द फेस ऑफ द पर्सन व्हाट सो एवर, दैट डजंट मैटर. ऐसा नहीं कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है, बट वही कि एक पिक्चर एक जगह हम फिक्स हो जाते हैं कि अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. लाइक मैं आपको बोलूं कि आई रैन इन टू अ गर्ल इन द वे. ठीक है. यू डोंट नो द गर्ल. राइट. स्टिल नाउ अब मैं उस गर्ल के बारे में जितनी बात करूंगी, बहुत सारी गर्ल्स होंगी इस टाइम पे मार्केट में. राइट. ठीक है. उनमें से किसी एक रैंडम को, तो जब मैंने उसके बारे में बताया तो मैंने यूज किया. राइट. फिर उसके बाद अब यहाँ पे फिक्स हो गया ना कि अब आपको भी पता है मैं उसी गर्ल की बात कर रही हूँ. होम आई रैन इन टू. राइट. सो अब यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा अब मेरा उस गर्ल के साथ दा लगेगा. द गर्ल वॉज, द गर्ल शी टॉक टू मी एंड ऑल. जब भी मैं उस गर्ल के लिए बात करूंगी दा लगेगा. तो वहां पे अ साइंटिस्ट भी इसी वजह से आया क्योंकि हम रैंडम बात कर रहे हैं.
राइट right? या तो ऐसा हो कि यहाँ पे हमें पता होता कि हम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, उनमें भी पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट, ये तो एक रैंडम बात है, एक रैंडम फ्रेज है। जैसे हम बोलते नहीं कि एक बंदे नु कदे भी अदा नहीं करना चाहिए, या फिर हम नॉर्मल भी अगर हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, हिंदी पंजाबी में बंदे नु कदे भी अदा नहीं करना चाहिए, तो वो इंग्लिश में जब भी हम बोलेंगे वहां पे आर्टिकल ए आएगा ही आएगा, क्योंकि हम रैंडम बात है। वैसे ही ओवरऑल साइंटिस्ट मेरे को हम सजेशन दे रहे हैं, राइट यूजली क्लास में टाइम पाने की बात है, राइट तो जब मैं रैंडमली बात कर रही हूँ, अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज कम टू द क्लास इन टाइम, इनडेफिनेट बात हो रही है ना, स्टूडेंट कोई भी, हर कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में रहा है, राइट तो ऐसी चीजों के लिए जब हम इनडेफिनेटली बात करते हैं तो वहां पे हम ए लगाते हैं। तो वहां पे हमें नहीं पता था हम किस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, या तो हमें पता होता साथ में लिखा होता ना कि द साइंटिस्ट हु इज वर्किंग इन दिस यूनिवर्सिटी शुड ऑलवेज फॉलो द लीप्स एंड बाउंड्स व्हाटसोएवर वाज देयर, राइट ओके। अब यहाँ पे क्या रूल है कि ये जो अ ग्रेट मैनी के साथ लिखो, आपका बुक में रूल नंबर 5 है, ये मुझे ये था यहाँ पे शायद होगा या नहीं होगा, रूल नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 1 का, इफ द सब्जेक्ट बिगिंस विद अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ और मैनी, इट्स नॉट मे इट्स मैनी, राइट यूज अ प्लूरल वर्ब। मिला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 5 फर्स्ट पार्ट का, दो होंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 1, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 2। इसमें देखो कहीं ना कहीं तो ग्रेट बनी वाला होगा, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, रिमूव तो नहीं कर दिया, एंड एज वेल एज ओके ये रहा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 2 को शायद फर्स्ट रखा हुआ अभी इन्होंने, कहीं मैं ही आपको 2 तो नहीं करवा रही हूँ, मैंने 2 का उठा लिया था क्योंकि वो मैंने पहले लिखा हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, नहीं कोई यूज वो नहीं है, नहीं नहीं सारे मिक्स ही है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, हमने सारा भी करना है, राइट रूल नंबर 5 देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 2 का, कि इफ अ सब्जेक्ट बिगिंस विद अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी और मैनी, यूज अ प्लूरल वर्ब ऑलवेज, राइट ठीक है, इनको लिखते भी जाओ नोट्स बना लोगे थोड़ा सा ये माइंड में रहेगा कि अ ग्रेट मैनी या कुछ भी यहाँ पे अ नंबर ऑफ जो भी आता है, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, इवन आप अपने नोट्स वाली बुक पे साइड बाय साइड इनको ऐसे लिख लो, ये स्ट्रक्चर्स आपको हेल्प करते हैं कि जब भी आपने रूल्स देखने हैं तो वो लिखे हुए में नहीं मिलते, आपको इस टाइप से बहुत इजीली मिल जाते हैं, जो जिस रूल के साथ कर रहे हो ना उसी रूल के आसपास इस चीज को वैसे का वैसे लिखते जाओ, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक बेसिक ग्रामर का रूल है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता, मीनिंग सेम रहता है राइट, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग उसको अलग हो जाता है, जैसे यही हमने किए मैनी वाले की बात कर रही हूं मैं, कि मैनी बुक्स आर सोल्ड, राइट मैनी अ बुक इज सोल्ड, द मीनिंग इज सेम, मैनी बुक्स आर सोल्ड, मैनी अ बुक इज सोल्ड, मीनिंग इज सेम, जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज डिफरेंट, दिस जस्ट अ ग्रामेटिकल रूल, बेसिक रूल, राइट कि आप मैनी को आप इस वे में भी लिख सकते हो, अब सिंगुलर बात हुई है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, राइट तो बेसिकली आप मैनी के साथ जब हम ए और एन आर्टिकल लगाते हैं तो नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हाँ राइट या तो देखो बेसिकली क्या हुआ कि या तो होगा डायरेक्ट नाउन वो हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल, अगर वहां पे हमने ये लगा दिया तो वर्ब भी सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर, राइट मैनी एन इंडिविजुअल इज कमिंग नॉट आर कमिंग, मैनी इंडिविजुअल्स आर कमिंग, राइट ठीक है ओके okay. अब कॉन्टिन्यूटी में करते हैं, आई थिंक सारे रूल आपके इसमें कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का फर्स्ट देखो, ये तो अगेन नाउन्स में हमारा फिर भी एक बार कर लेते हैं जो मैं पहले दिन से करवाती आई हूँ, और टेंसेस में हमारा बहुत अच्छे से हो जाना है कि ही शी इट सिंगुलर होते हैं, राइट जो चीज एक है, जो चीज एक है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, राइट ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड देखो, टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एन विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब,
रिमेम्बर इट. द डॉक्टर एंड नर्स वर्क टूगेदर. आगे एक्सेप्शंस भी आएंगी, ठीक है. अब देखो नीचे ही एक्सेप्शन आ गई, आगे क्या नहीं है, राइट. बट टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड इफ फर्स्ट नाउन इज प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल एंड सेकंड इज नॉट, दिस मींस बोथ नाउन्स रिप्रेजेंट द सेम पर्सन, सो अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, राइट. अब उन्होंने क्या कहा है, कौन सा रूल कर रहे हैं आप? नहीं नहीं एंड वाला, राइट. गर्ल एंड लेडी, वो बात कर रहे हैं कि अगर हम रैंडम एंड से दो नाउन को ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, राइट. ठीक है, when two nouns are joined by and, just normal nouns. अब वो क्या कह रहा है कि अगर इसी noun से पहले हम a and the लगा दें, ठीक है, तो it mean होता क्या है कि वो same ही person को represent कर रहे हैं. कब? जब दूसरे noun के बाद से पहले यहाँ पे कोई article ना हो, तो it mean वो same person को represent कर रहे हैं, right? जैसे उसमें example दिया हुआ है, the chairman and director is coming, means कि वही पर्सन वहां का चेयरमैन है, वही वहां का डायरेक्टर है, राइट. ठीक है, अब यहाँ पे या तो ऐसे हो जाए कि अ चेयरमैन एंड अ डायरेक्टर, अब क्या हो जाएगा, अब अलग पर्सन हो गए मेंस, तो अब क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. क्लियर हुआ कि जब रैंडम नाउन्स आ जाते हैं विदाउट एनी आर्टिकल तो क्या रहता है, प्लूरल आता है. हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है ना, जब हम बात कर रहे हैं, ये देख, ये क्या जो एग्जांपल लिखे होते हैं आप उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हो, बट अब वो दिए कैसे होते हैं, वो किसी कन्वर्सेशन का पार्ट में से उठा के दिए होते हैं, राइट. अब वहां पे देखो ना, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली एक में रैंडम बात जो साइंटिस्ट वाली थी, वो रैंडम बात हो गई थी कि एक साइंटिस्ट को ये चीज फॉलो करके चलना चाहिए. अब वो चाहे अमेरिका का साइंटिस्ट है, चाहे इंडिया का साइंटिस्ट है, डजंट मैटर, राइट. बट मैं जब ये चीज बोल रही हूँ तो यहाँ पे दा का मीनिंग क्या है कि मुझे पता है, जब मुझे ये पता है कि वही चेयरमैन है, वही डायरेक्टर, इटमीन मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ ना. अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि वही चेयरमैन है, वही डायरेक्टर है, तो मैं तो ये बात बोलूंगी नहीं. यहाँ पे ये एक रैंडम कन्वर्सेशन देखो ना, उस टाइप की कन्वर्सेशन में से उठाए होंगे. अब यहीं पे ही कि अब जैसे सर का ही एग्जाम्पल लगा लेते हैं, राइट. अब सर आ रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनकी बात हो रही है, राइट. तो उस केस में यही रहेगा, ठीक है. फिर उसके बाद चाहे आप किसी से भी बोलो, बट आपको तो पता है ना, और उन्हें भी पता है कि स्पेसिफिकली एक पर्सन, चाहे वो उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते, बट स्पेसिफिकली बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर एक चीज का चेयरमैन और डायरेक्टर वही है और वो आ रहा है, राइट. आप और बाकी लिखने के वजह से जो आपको एरर पता चलेंगे, वो आर्टिकल के एरर में वो चीज भी आ गया, आप समझ जाओगे, ठीक है, जब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे. फिर उसके बाद थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना शुरू करो, ठीक है. अब वही जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि गो टू दैट रूम, ठीक है, माई बैग इज ऑन अ चेयर एंड पिक दैट, ठीक है. अब आपको नहीं पता कौन सी चेयर एंड ऑल, मैंने भी जब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, या सिंपल वो भी छोड़ो, ऐसे बात करते हैं, वही बैग का रखते हैं कि मेरा बैग एक चेयर पे पड़ा है, ठीक है. मैंने अब क्या यूज किया, अ चेयर, ठीक है. अब मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि फर्दर जब मैं उस चेयर की बात कर रही हूँ, चाहे मैं 10 मिनट बात करूं चाहे मैं 20 मिनट बात करूं, राइट, तो वहां पे क्या यूज होगा, द, कि द चेयर्स कलर इज ब्लैक. कौन सी कलर, कौन सी चेयर का, जिसपे मेरा बैग पड़ा है. नाउ वी नो स्पेसिफिकली, राइट. अब मैं यहीं पे जिस टेबल पे आप बैठे हो, जिस बेंच पे आप बैठे हो, अगर मैं इसकी बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, ऑन द टेबल on which you are sitting. The I use किया क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है क्योंकि हमें दिख रहा है, right? ठीक है, बहुत सारे markers पड़े हैं यहाँ पे. अगर मैंने कहना है कोई भी marker उठा लाओ, ठीक है, pick a marker and give it to me. But अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे वो वाला marker देना जिसपे M लिखा हुआ है, पिक द मार्कर ऑन विच एम इज रिटन, अब आप देख के लाओगे,
जब स्पेसिफिकली हमें हमें पता होता है ना डेफिनेटली किसकी बात कर रहे हैं हम, तब द यूज होता है, राइट right? ओके तो यहाँ पे अब द यूज हुआ क्योंकि हमें पता है हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों बार नाउन आ जाए तो फिर ये यही वाला रूल ले लेता है, तो मतलब दो अलग अलग पर्सन है। जब एक आर्टिकल है सिर्फ बिगिनिंग में, दूसरा नाउन कोई आर्टिकल नहीं दे रहा, इट मीन एक पर्सन की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखो इसी से नीचे वाले में, वहां पे देखो आपने कहा कि द यूज हुआ बस, नीचे वाले में देखो अ फ्रेंड एंड कोलीग इज गेटिंग मैरिड, ये बात हम कब करते हैं? कहाँ जा रहे हो? शादी पे जा रहा हूं। किसकी शादी पे? फ्रेंड की शादी है, राइट यहीं पे ही अगर आपने उस फ्रेंड की शादी के बारे में मुझे दो दिन पहले बताया था, राइट मैं पूछूंगी कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू द फ्रेंड्स वेडिंग विच आई मेंशनड यू द अदर डे, जिसके बारे में मैंने बात की थी। डिपेंड करता है ना, अगर वही कन्वर्सेशन हमारी हो चुकी है पहले उस चीज से रिलेटेड तो मैं द यूज करूंगी। ओके ओके नेक्स्ट देखो कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एज वेल एज विद अलोंग विद टुगेदर विद बिसाइड्स इन एडिशन टू एंड नोट रादर देन द वर्ब विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। ये रूल्स बहुत ध्यान रखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जाती है, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे आगे जिसमें क्या होगा कि जो कनेक्टर के नियर बाय जो सब्जेक्ट होगा या जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? एज वेल एज विद अलोंग विद टूगेदर विद बिसाइड्स इन एडिशन टू एंड नॉट रादर देन द वर्ब। इसमें अब क्या है कि सिंगुलर प्लुरल फिक्स नहीं है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है क्या। अगर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, मेन सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल, राइट। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्लेइंग, मेन सब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स, राइट। तो अब क्या लिखा हमने? आर। वहीं पे ही अगर मैं इसको ये कर दूं, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? इज प्लेइंग। क्यों? क्योंकि अब मेरा मेन सब्जेक्ट द टीचर है, राइट right? ठीक है। नीचे देखो ऐसे ही हुआ, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज सिटिंग सिटिंग देयर आएगा, सिटिंग देयर नहीं, ठीक है। आई एज वेल एज ही एम गोइंग टू, देखो अब इसमें एम आएगा, क्यों? क्योंकि आई हमारा मेन सब्जेक्ट है, बट वैसे ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम सिंगुलर बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सेकंड पर्सन को पहले, थर्ड को बाद में, फिर फर्स्ट को, पॉजिटिव बात हो रही है तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? He as well as I is going to, right? ये करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लो वहां पे। Now this is wrong. क्योंकि अगर हम ये फॉलो करते हैं तो इट मीन हम अपना पहले किया हुआ रूल को गलत प्रूव कर रहे हैं, राइट right? क्योंकि प्रोनाउंस का रूल है, थर्ड पर्सन, जब सिंगुलर केस की बात होती है तो थर्ड पर्सन को पहले, सॉरी सेकेंड पर्सन को पहले, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को रखा जाता है, राइट right? तो यहाँ पे टेक्निकली होना क्या चाहिए? He as well as I am going to, sorry, as well as I is going to. Clear? Okay, अब देखो, two singular subjects joined by or nor will take a singular verb. Simple. A doctor or a nurse is working in the hospital, right? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही और बताता क्या है? Option. अब singular है तो singular के according is लगेगा, plural होता तो आर लगा देते हम, राइट। द डॉक्टर्स और नर्सेज आर कमिंग, राइट। बट वो तो चलो प्लूरल वाले केस में तो हमें वैसे क्लियर हो जाएगा क्योंकि वहां पे प्लूरल होगा। समझने वाली बात ये है कि अभी हम एंड में करके आए थे कि एंड अगर ऐसे रैंडम दो चीजों के साथ लिखा जाता है तो प्लूरल लेता है, बट और नोर अगर रैंडम दो चीजों के साथ लिखा जा रहा है तो सिंगुलर लेगा। क्यों? क्योंकि एंड तो एड कर रहा है और तो ऑप्शन दे रहा है, और तो पहले कह रहा है दोनों से एक, राइट। तो हम सिंगुलर वर्ब एक ही लेके चलनी पड़ेगी, राइट। अ डॉक्टर और नर्स इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, राइट, कि या तो डॉक्टर होगा या नर्स होगी। अब यहीं पे मैं लिख दूं, डॉक्टर एंड नर्स आर वर्किंग, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ सेंटेंस बिगिंस विद ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबॉडी, नन और वन,
अ सिंगुलर वर्ब इज यूज, सिंपल वर्ब सिंगुलर होगी, ये हमने उस दिन भी रूल लिया था ना, ईच एंड एवरी वन, ये सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, ठीक है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, वन ऑफ द, ये वन ऑफ द केस भी इसमें आ गया, राइट, ठीक है, जिसके बारे में इतने टाइम से कर रहे हैं. फिर उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउंस सच एज समवन, समबडी, नोबडी, वन, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, इधर, नीदर, ये ऊपर वाला ही रूल सेम ही आ गया कि ऊपर भी हमें यहाँ पे जब हमें पता नहीं होता इनडेफिनेट, ये सेम ही रूल है कि जब हमें पता नहीं होता हम एग्जैक्टली कितनों की बात कर रहे हैं, समवन लेफ्ट, एवरीवन लेफ्ट, एवरीवन में भी नहीं पता कितनों की बात हो रही है, समवन में भी नहीं पता कितनों की बात हो रही है, राइट. तो ये दोनों सेम ही थे. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी वंस अ मंथ. अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या है, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी अ मंथ, इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कहाँ से पता चला, क्या रूल इसमें क्या लिखा हुआ उसने, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, तो अरे वो तो ठीक है, बट कहाँ पे वो वर्ब जो हम वर्ब सिंगुलर रखेंगे प्लूरल रखेंगे वो कहाँ है, वर्ब को सिंगुलर प्लूरल रखना है ना, रूल तो हम यही कर रहे हैं कि वर्ब का केस है कि वर्ब उसके साथ जाएगी, बट यहाँ पे तो वर्ब है ही नहीं, फिर एग्जांपल यहाँ पे है क्यों, हेल्पिंग वर्ब तो इस सेंटेंस में है ही नहीं, फिर वर्ब, फिर ये क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब सेंटेंस में देखो सिंपल, वैसे तो मैं टेंसेज में ये चीज बहुत अच्छे से करवाऊंगी, फिर भी मैं साइड बाय साइड भी रिपीट करती रहती हूँ. पूरी इंग्लिश में सिवाय सिंपल प्रेजेंट टेंस के एंड सिंपल पास्ट के जस्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, नेगेटिव क्या होते हैं, मना किया जाता है, राइट, ठीक है. आई प्ले, कोई हेल्पिंग वर्ब आई नहीं आई, क्या बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट है ना, फैक्ट बता रहे हैं, मैं खेलता हूँ, राइट, वहीं पे मैं मना कर रही हूँ तो क्या, आई डू नॉट प्ले. तो सिर्फ एक अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट का होता है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है. सिंपल प्रेजेंट के केस में सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस. अब यहाँ पे क्या था, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच को हम क्या लेके चलते हैं, सिंगुलर, तो कॉल्स लिखा हुआ है उसने, कॉल नहीं लिखा हुआ, कॉल्स एस लगाया हुआ है. यूजली अगर यहाँ पे प्लूरल होता, माई फ्रेंड्स कॉल मी वंस अ मंथ, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी वंस अ मंथ, राइट, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कब लगाते हैं, सिंगुलर के केस में, तो वो सिंगुलर वाला है. ये चीज पूछ रही थी मैं आपसे कि आपका आंसर क्या बनता था, कि इसमें क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, चाहे वो भी ना बताते, आप यहाँ कहते हैं यहाँ पे कॉल के साथ एस लगा हुआ है, राइट, तो वो सिंगुलर का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस सिंगुलर केस में आता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नहीं वो तो चलो हो गए, ईच डे एंड ईच गर्ल हैज कम, राइट. ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस जो वैसे ही प्लूरल होते हैं, जैसे कि ऑल, सम, पार्ट, मेजोरिटी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सेवरल, फ्यू, बोथ एंड मैनी, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब. ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. आई नो अभी आपको इनडेफिनेट प्रोनाउंस में डिफरेंस नहीं पता कि वही समवन समबडी, तो सिंपल ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ ये वाले ध्यान रखो अपने माइंड में, ऑल, सम, समवन समबडी नहीं, सम, समवन समबडी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, सम क्या लेता है, प्लूरल लेता है, राइट, ठीक है. तो ऑल, सम, पार्ट, मेजोरिटी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, सेवरल, बस ये ध्यान रखो, बाकी अगर ये नहीं है तो उनके साथ जो भी जितना भी कोई भी इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए वो अपने साथ सिंगुलर स्ट्रक्चर लेगा, क्लियर है, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये और वाला तो आप अभी करके आए थे, और वाला देखो, और वाला केस हम क्या करके आए थे, अभी तक हमने जो और वाला केस किया था, हमने कहा था जो पहले वाले रूल में आया, रूल नंबर 5 में, वो क्या था कि जब और के केस में इधर भी सिंगुलर नाउन है, इधर भी सिंगुलर नाउन है, तब सिंगुलर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है. फिर हमने, मैंने एक आपको केस बताया कि इधर भी प्लूरल है और इधर भी प्लूरल है, ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं है कि वर्ब प्लूरल ही होगी. अब वो केस की क्या बात कर रहा है,
यहाँ पे क्या बात हो रही है कि और एक बार सिर्फ मैं और से समझाती हूँ, बाकी फिर आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि और के केस में क्या हो कि अगर एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो तो अब क्या करें, अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब जाएगी, क्योंकि दोनों केस हो सकते हैं ना, कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि भाई डॉक्टर एंड नर्स को लगा के चल लेते हैं, डॉक्टर एंड नर्स इज कमिंग राइट, डॉक्टर एंड नर्स तो क्या लेगा इज डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर, डॉक्टर एंड नर्सेस, डॉक्टर्स एंड नर्स, सॉरी बोला ही नहीं आपने और अब क्या होगा, नहीं यहाँ पे अब ये क्या रूल है, यहाँ पे क्या है कि इसमें हमारी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, व्हाटसोएवर इज नियर द वर्ब, एक हमने बिगिनिंग में रूल किया था कि मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, एक हमने किसमें किया था वो एज वेल एज वालों में, एज वेल एज वालों में, और वो सारी एज वेल एज के जितने भी भाई बहन थे बिसाइड्स ये वो राइट, उस केस में हम क्या कह रहे थे कि जो यहाँ पे आ गया उसके अकॉर्डिंग जाएगा, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर वो सिंगुलर तो सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल है नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब आएगी विच सो एवर इज नियर द वर्ब, अब यहाँ पे नियर प्लूरल है तो आर, नियर सिंगुलर है इज, क्लियर है, तो अब ये और के साइड बाय साइड और क्या है, इधर और, नीदर नोर, नन, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो राइट, इन केसेस में जो भी वर्ब के नियर उपाय होगा वो केस हम फॉलो करके चलेंगे राइट, देखो नाउन जो चैप्टर हो चुके हैं ना वो कभी नहीं भूलना है आपने, छोटी चीज को लेके ध्यान में रखना है, अब क्योंकि नाउन से आपका सीक्वेंस में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि बाकी फिर आगे आगे रिलेट होता जाता है राइट, तो प्रॉपर नाउन का मैंने एक आपको रूल बताया था, प्रॉपर नाउन का रूल क्या होता है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है राइट, चलो पुअर का तो बनता था क्योंकि सेंटेंस की बिगिनिंग थी, बट गर्ल्स का भी जी कैपिटल है, तो इसका मीनिंग अब क्या हो गया कि ये पूरी एक चीज है, किसी चीज का नाम है राइट राइट, वो ध्यान रखना है, तब भी मैं वो ही ना रूल भी है, और वैसे भी साइड बाय साइड में वैसे भी मुझे पता है कि जो चीजें होती हैं रोंग वो पिन पॉइंट में करती रहूंगी, नॉट वरी, वंस अ टाइम करने से वैसे भी नहीं कभी ध्यान रहते, आई टोल्ड यू, बार बार करोगे, बार बार इन चीजों को देखते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएंगे राइट, फिर उसके बाद एक दिन बैठ के न्यूज पेपर में जितनी चीजें हो गई उन सारी चीजों को नोटिस करने की ट्राई करो ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, तो इट मीन्स यहाँ पे इज आएगा, क्यों, हो सकता है कोई बुक को, हो सकता है कुछ किसी भी चीज का नाम है ये, सिंपल राइट, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ कि टाइटल ऑफ द बुक्स नीड सिंगुलर वर्ब, ऐसा नहीं कि बेसिकली कुछ भी किसी भी चीज का नाम हो सकता है, चीज एक है तो एक ही रहेगी वो ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फिर वही ना देखो ग्रेट एक्सपेक्टेशन बुक का, ग्रेट एक्सपेक्टेशन बट वो उसका नाम है, बुक तो एक ही है राइट ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट हम कर चुके हैं मैनिया वाला ठीक है, उससे नेक्स्ट भी हम कर चुके हैं, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट भी नहीं, द नंबर ऑफ हमने नहीं किया, अब देखो अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ ठीक है, इसमें वही की स्पेसिफिकेशन आ जाती है, तो अ नंबर वाले केस में तो क्या था प्लूरल था कोई फर्क ही नहीं आया, बट जब द नंबर आ जाता है राइट तब क्या आता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है राइट, द नंबर ऑफ बुक्स
इज लेस, क्योंकि बात ही अलग हो जाती है ना, जैसे मीनिंग ही अलग चला जाता है. नंबर अ नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, मतलब बहुत सारी बुक्स है वहां पे, राइट. ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स इज लेस. यहाँ पे क्या मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अनकाउंटेबल टाइप से बात करूं कि बहुत सारी बुक्स हैं. यहाँ पे एग्जैक्टली मैं नंबर की बात कर रही हूँ कि 1, 2, 3, 4, मतलब मैं कह रही हूँ 30 बुक्स होनी चाहिए थी, 15 है, तो मैं क्या कहूंगी, बुक्स का नंबर कम है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है. तो मीनिंग ही काइंड ऑफ चेंज हो जाता है. दा के केस में वैसे भी स्पेसिफिकेशन की बात होती है, तो दा के केस में स्पेसिफिकेशन किस चीज की है, नंबर की, राइट. ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे देखने वाली बात क्या आ जाती है, एक्सेप्शन अभी आ गई, कौन सी, प्रेपोजिशन के रूल वाली. हमने क्या रूल किया था कि हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाती है, राइट. बट अब एक्सेप्शन कौन सी हुई, ये थोड़ी एक्सेप्शन हुई, ये एक्सेप्शन हुई कि अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी, ये क्या है, फ्रेजेस हैं, और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो ये प्रेपोजिशन के केस में एक्सेप्शन हो गई, राइट. कि अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी, ये इस टाइप से आएगा तो ये अपने साथ प्लूरल लेगा. रेस्ट तो ऑफ प्रेपोजिशन वाला रूल है ही, बाकी हर जगह अप्लाई हो ही रहा है, राइट. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद देखो, अभी हमने किया एंड वाला रूल, ठीक है. अब हमने वही साइंटिस्ट वाले एग्जांपल पे फिर आ जाते हैं. वहां पे उसने क्या किया, उस चीज को प्लूरल कंसीडर किया कि उसकी जो जो भी उसको जो भी हिंच वर्ड जैसे भी उसने यूज किया हुआ, तो किस चीज के लिए था कि जो इंट्यूशन आती है, इनर इंट्यूशन, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट. और उसके आइडियाज को कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो वहां पे उसने क्या किया, वो दोनों अलग अलग चीजें रख रहा था. समटाइम्स वो कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट वन में काउंट होती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है. ब्रेड एंड बटर का मीनिंग क्या होगा, रोजी रोटी, तो इसको वन काउंट किया जाता है, राइट. तो ये चीजें अपने साथ सिंगुलर लेती हैं, ब्रेड एंड बटर, सूप एंड सलाद, राइट. ये अब सारे क्या है, ये सिंगुलर काउंट होते हैं. और ये कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है इनके, वो आप नेट पे देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से एंड वाले हैं जो वन कंसीडर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखो, इन रिलेटिव सेंटेंस सेकंड वर्ब इज डिसाइडेड बाय द नाउन प्रीसीडिंग बाय द कंजंक्शन. ये वही वाला रूल है जो आप करके आए हैं अभी अभी मैंने जो आपको करवाया, गोल्ड वाले एग्जांपल जितने भी करवाए, कि सिंपल उसमें इतना, इसके छोड़ो इस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको क्या कहा था कि रिलेटिव सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंस है हमें कोई लेना देना नहीं, राइट. ठीक है, और ये आपका देखो जो फाइनल में आप जब एक सेंटेंस करोगे सब कुछ करने के बाद, राइट, तो वहां पे अपने सारी चीजें चेक करनी होती हैं, ठीक है. कि मालगुड़ी अगर पुअर गर्ल्स आ गया, अच्छा तो नाम है इस आएगा. अब यहाँ पे हु विच दैट आ गया, आगे कहीं पे भी, तो फिर हु विच दैट के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल होगा, यहाँ पे सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर होगा, राइट. ठीक है, तो वो ये वाला रूल लिखा हुआ है यहाँ पे जो अभी आप करके आए हैं, क्योंकि वहीं पे किसी केस में गोल्ड में अपन ने वो लगाया था, क्यों, क्योंकि समटाइम्स वो मेटल्स बात ही आ जाते हैं ना, हु विच दैट, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग जाएगी, वो सिंगुलर तो सिंगुलर, वो प्लूरल तो वो प्लूरल, क्लियर है. हाँ, वो सारे ना, वो सारी चीजें, सारे के सारे रूल हमने एक सेंटेंस में सब कुछ देखना होता है, ठीक है. अब इसमें भी एग्जांपल देखो, इंडिया इज द कंट्री विच इज डेवलपिंग वेरी फास्ट, किसकी बात हो रही है, कंट्री की, राइट. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला वैसे ही गलत है. गलत क्यों है सेंटेंस मुझे बताओ, क्यों गलत है ये सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है वहां पे, इंडिया इज, हाँ इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री विच आर डेवलपिंग वेरी फास्ट. वन ऑफ का रूल क्या था, सबसे बेसिक रूल तो क्या था, वन ऑफ वाला, कि बहुत सारों में से एक, बहुत सारे देशों में से एक है, तो यहाँ पे वन ऑफ द कंट्रीज आएगा, तभी आर लगेगा ना, विच आर, अदरवाइज तो फिर कंट्री के अकॉर्डिंग तो विच के साथ ही लगना चाहिए, राइट. ठीक है, तो वो वन ऑफ का केस भूल जाते हो आप हर बार, कि वहां पे हर बार प्लूरल ही आता है. हेलो,
हेलो हेलो हेलो, यस यस, मैं क्लास में थी। हाँ जी हाँ जी, ग्रामर के लेने आई थी ना। नो, आपके वाले? हाँ आपके वाले तो पकड़ आ गई थी, तो कुछ बहुत टाइम हो गया। ओके, ओके। हाँ हाँ जी सर, इट्स डन। तो बेसिकली अब इसमें से ध्यान रखने वाला क्या था, वो एज वाले वर्ड्स, राइट? फिर उसके बाद वो सम वाले वर्ड्स, उसके अलावा इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो सिंगुलर ही रहना है। बस इंडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउन आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, ऑल, सम एंड जो भी इसके अलावा थे, राइट? ठीक है। एंड आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा और वाला केस, कि और वाले केस में जब एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो इसके वाला। फिर उसके बाद एज वाले में क्या था कि उससे पहले वाला मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, बस ज्यादा और कुछ नहीं है। उसी में सारे के सारे एरर आपके इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडवर्ब से पहले हमारा एडजेक्टिव। आई थिंक इससे पहले उन्होंने फिर लिखा होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? आज हमारे छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाने हैं, तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा आपके पास एक्सरसाइज का, सारी की सारी ट्राई करके आना, ठीक है? ओके एडजेक्टिव है, पेज नंबर 13 बुक में, वर्ब से पहले ही है तो चेक करो। एग्जैक्टली वर्ब से पहले ही है, राइट? ठीक है, तो इसमें पहली बात तो, बट आर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो नो, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने बीच में से वर्ड तो देखा है, बट वो किस चीज के लिए लिखा हुआ है? हाँ कि क्वालिटेटिव हाँ, होता क्या है, एडजेक्टिव्स के बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, राइट? इट्स जस्ट कि वो उसको थोड़ा वेट दे देते हैं, उसकी क्वालिटी को, राइट? शी इज अ गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, तीनों में हम बात तो लड़की की कर रहे हैं, राइट? बट जस्ट विद एडिशन ऑफ वन वर्ड उस सेंटेंस में देखो कितना वेट आ गया, वहां पे हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडिशनल क्वालिटी बताते हैं नाउन की, एंड रिमेम्बर ये सिर्फ नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रनाउन को, नाउन को, आई एम सॉरी, ये जस्ट नाउन को क्वालिफाई करते हैं, प्रनाउन को भी नहीं। एडजेक्टिव्स ओनली क्वालिफाइज नाउन, ये और किसी भी चीज को क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है? फिर उसके बाद ये जितने भी एडजेक्टिव के टाइप दिए हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपके एरर आने हैं, ठीक है? तो एक बार इनसे अच्छे से गो थ्रू हो जाना एंड अपनी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। देखने वाला क्या है, पहले तो सिर्फ काइंड ऑफ एडजेक्टिव बताए हुए हैं कि क्वालिटी बताते हैं कुछ एडजेक्टिव, जैसे हमने अभी बात की शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हो रहा है, नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, राइट? तो नाउन ऑफ क्वालिटी हो गया। फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, अब क्वालिटी तो हो जाती है किसकी, पर्सन वगैरह की, या किसी क्वालिटी, वैसे किसी भी नॉन लिविंग, इट्स अ ब्यूटीफुल बेंच, वो भी हो सकता है, किसी कोई भी चीज हो सकती है। फिर जो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी किस चीज की बताई जाती है, अनकाउंटेबल नाउन की, राइट? क्वांटिटी क्या, वो लीटर्स जो भी मेजर्स के हमारे पास होते हैं, राइट? ठीक है, जैसे मच, लिटल, सम, फ्यू, ऑल, सम वाला, सम फ्यू, जितने भी हम करके आए थे वो सारे इसमें आ जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फाइव गर्ल्स आर देयर, गर्ल्स की क्वालिटी क्या है, वो फाइव हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव करके आए हम पहले, ईच, एवरी, इधर, राइट? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, डेमोन्स्ट्रेट तो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जब दिस, दैट, दीज, दोज ही होते हैं, ये डिपेंड करता है अब सेंटेंस में वो यूज कैसे हो रहे हैं, प्रोनाउन होते हैं ऑन द सेम टाइम, ठीक है, ऑन द सेम टाइम में ऑब्जेक्टिव का भी काम कर रहे होते हैं, तो सेंटेंस में हमने देखना था वो काम किस चीज का कर रहे हैं, राइट? एडजेक्टिव्स की ऐसा कोई खुद की फॉर्म नहीं है, ये भाई दूसरों को देखो कि यहाँ पे अभी प्रोनाउन को रखा हुआ है,
इनडेफिनेट प्रोनाउन को रखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रखा हुआ है, इट्स जस्ट कि जैसे वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो वहां पे क्वालिटी बताते हैं। जैसे फाइव गर्ल्स, तो गर्ल्स की क्वालिटी क्या है, वो फाइव है, तो यहाँ पे फाइव क्या है, एडजेक्टिव हो गया गर्ल्स का, राइट right? ठीक है, ओके okay, अब जो देखने वाला है वो रूल्स हैं थोड़े से, वो भी कोई ज्यादा नहीं है, वो बस समझने वाले हैं थोड़े से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडजेक्टिव की एक्सरसाइज करने के लिए आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए। एडजेक्टिव थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म, ओके okay. अब एडजेक्टिव की लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कौन से एडजेक्टिव की फॉर्म होती है, किसकी नहीं होती। ब्यूटीफुल की फॉर्म होती है, जैसे टॉल टॉल, राइट। जब मैं कह रही हूं कि वो उन दोनों में से लंबा लंबा है तो क्या यूज करेंगे, टॉलर, राइट। ब्यूटीफुल की ऐसे फॉर्म होती है, नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसकी फॉर्म है अगर आप वहां पे मोर टॉल कह रहे हो तो गलत है, राइट। बट वहीं पे ब्यूटीफुल तो होता ही नहीं है, क्लियर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नाउन की एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एडजेक्टिव का एक बार गो थ्रू हो जाना उसकी डिग्रीज से, राइट, कि किसकी डिग्री होती है किसकी नहीं होती, ठीक है। फिर आ जाते हैं रूल्स पे। तो सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का आपको पहले से ही पता है। कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज होती है, कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, राइट। हाँ जी बोलो बोलो, ठीक है। He is taller of the two. ये भी एक केस है कि ऑफ द टू आ जाएगा तो वहां पे कंपेरेटिव डिग्री ही रहती है, ये रूल शायद आगे आएगा भी, राइट right? ठीक है, कि तो ये भी हम लिखते हैं ही इज टॉलर देन हर, ठीक है। ये सेम उसी चीज को बोलने का भी वो तो प्रोनाउन वाला केस आ गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ही इज टॉलर देन, वो वहां पे क्या केस था, सो एज का और एज वाले केसेस थे। तो वहां पे फिर हम देखते होते हैं कि वही तो, तभी तो वहां पे स्पेसिफिकली रूल करवाया था कि सो एज का केस या एज का केस अलग हो जाता है, डिफर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट, ठीक है। बट नहीं, आप भी भूल गए, इट्स गुड आपने याद करवाया, देन का केस भी तो वहीं पे ही था, तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के केस साथ ही आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा, ही इज टॉलर देन शी, राइट, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद गुड, ये चीज क्लियर है। इसके बाद एक ये रूल है कि जब ऑफ द टू आएगा तो वहां पे हम कंपेरेटिव डिग्री ही यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह कुछ नहीं यूज होता, ठीक है, ओके। एंड एक सबसे बेसिक रूल कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, टोलेस्ट, हार्डेस्ट, मोस्ट, ये अपने साथ हमेशा द आर्टिकल लेती है। अगर आप यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगाते हो तो वो भी गलत होता है, ठीक है। तो अब देखो, जब ऑफ द टू का केस आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा का केस आ गया ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, अब सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द tallest of the three or tallest, the tallest of the four, clear hai? Okay, superlative degree used in comparison more than, ye to bahut basic hai ki jab do cheezon ke beech mein hum comparison ki baat karte hain to comparative, fir uske baad teen ya do se zyada ki baat karte hain to superlative, right, theek hai, yahi jo humne abhi kiya, he is the best of the three, right, theek hai, okay, fir uske baad dekho, when two changes happen together, comparative degree is used in both. अब ये जो है एक बोलने का भी होता है, right? कुछ permanent भी बने हुए हैं, आपने सुना भी होगा, the older the tastier, किस चीज के लिए यूज होता है, wine के लिए, right? ठीक है, the more the merrier, ये money के लिए यूज होता है कि जितनी ज्यादा उतनी अच्छी, right? तो ये कुछ forms भी हैं और वैसे भी इसी type से exist करती है कि जब एक चीज के साथ साथ दूसरा चेंज हो रहा हो, जैसे कि जितना फास्ट वो होता गया उतनी अच्छी ग्रोथ होती गई, राइट,
द मोर फास्ट ही वॉज द बेटर ग्रोथ ही हैड। क्लियर है? ये हमेशा फॉर्म, और इसके साथ भी हमेशा द आर्टिकल आता है, ये आर्टिकल्स का भी रूल है, ठीक है? इसको हम यहीं पे ही कवर कर रहे हैं, ठीक है? इसको लिख लो, द ओल्डर द टेस्टियर। ध्यान रखना जब आर्टिकल्स का रूल आएगा तो मैं वो चीज वहां पे पूछूंगी, बताऊंगी नहीं, ठीक है? आर्टिकल्स का क्या रूल है कि जब दो चेंजेस टुगेदर हो रहे होते हैं तो उनके साथ हमेशा द आता है। और एडजेक्टिव का क्या रूल है कि उनमें जो डिग्री होती है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, राइट? ठीक है, बेटर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? गुड की, राइट? मोर वैसे ही कंपैरेटिव है, और सुपरलेटिव कौन सी होती है? मोर की, मोस्ट, राइट? क्लियर है? वो मोर वाले तो हमने कर लिए, द टोलर ही वॉज द बेटर ही गेट्स, जो भी आगे जो भी फॉर्म आएगी, कुछ भी सेंटेंस। हमारा मैटर क्या है कि एक तो द आएगा, यूजली कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल नहीं आता, सुपरलेटिव के साथ आता है, बट इस केस में द के बिना ही आता नहीं है। आर्टिकल्स आर ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, राइट? ओके, बट सुपरलेटिव केस की कोई एक्सेप्शन नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी कैसे भी आ जाए, द आर्टिकल उसके साथ आना ही आना है, ठीक है? ओके, रूल नंबर थ्री देखो, डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज। कि डबल कंपैरेटिव नहीं, जैसे ही इज मोर वाइजर, ही इज मोर टोलर, ये कभी नहीं होता, ठीक है? मोर लगता किसके साथ है? जिसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो, द एडजेक्टिव्स एंडिंग विद आई ओ आर, फॉर एग्जाम्पल प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था रूल, शायद क्लास में हमारी डिस्कशन भी हुई है, ही इज जूनियर टू मी, करवाया ना मैंने, टू प्रेपोजिशन लगते हैं इनके साथ। ये वर्ड जो आई ओ आर के साथ कंपैरेटिव डिग्री वाले एंड होते हैं, राइट, ये अपने साथ क्या लेते हैं, क्या लेते हैं? टू प्रेपोजिशन लेते हैं, राइट? देन नहीं लेते। ही इज टोलर टू मी, राइट? ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। ओके, नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, आगे क्या है, शेफ, शेफ, एंटायर, राउंड, इम्पॉसिबल, आर नॉट कंपेयर्ड, इनको इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है? एरर क्या आएगा, ये लिख के साथ में कंपैरेटिव डिग्री दी होगी, राइट? कि माय वर्क इज मोर कंप्लीट देन यू, कि मेरा वर्क तुम्हारे से ज्यादा कंप्लीट है, नहीं हो सकता, माय वर्क इज कंप्लीटेड, ए कंपेयर, इनका इन वर्ड्स का कंपैरिजन होता ही नहीं है। कौन कौन से हैं वो वर्ड? राइट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, when comparative degree is used in superlative sense, it is followed by any other. कि जब comparative degree superlative sense में कैसे use की हो, जैसे भाई ना कि उससे लंबा तो यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? एक तो मैं बोल दूँ he is the tallest here, right? ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं चाहूँ तो उसी में मैं superlative degree की जगह comparative form use कर सकती हूँ। कैसे? he is taller than any other boy, फिर क्या होगा? जब आप सुपरलेटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो उसके साथ क्या केस आता है? एनी अदर। ये नहीं हो सकता ही इज द टोलेस्ट देन एनी अदर बॉय, वो भी गलत है, राइट? ही इज टोलर देन एवरीवन एल्स, वो भी गलत है। वो क्या होगा? ही इज टोलर देन एनीबडी एल्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, when we compare two qualities in the same person or thing, the comparative ending er is not used. Basically, वो क्या कह रहे हैं कि जो एक ही person में आप अगर किसी की quality की बात कर रहे हो तो वो किस चीज के साथ आप comparison करोगे? More के साथ। जब उसी person के, जैसे देखा जाए तो जो उन्होंने लिखा हुआ wiser,
वाइजर के फॉर्म्स, वाइज के फॉर्म्स होते हैं वाइजर वाइजेस्ट, टोलर टोलेस्ट, राइट। बट टोल की तो एक पर्सन के साथ हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली उसकी क्वालिटीज का कंपैरिजन होगा, राइट। यू आर तो यू आर स्मार्टर ऑफ द टू, दूसरे के साथ कंपैरिजन हो रहा है, राइट। ठीक है, अब उसी में ही अगर मैं उसी पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करूं, जैसे कि क्या, वाइज एंड स्मार्ट, राइट। ठीक है, यू आर मोर वाइज देन स्मार्ट। जब सेम पर्सन की दो क्वालिटीज की बात हो तो वो हमेशा मोर के साथ होगी, चाहे उसकी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं चाहे नहीं करती हैं, डजंट मैटर, राइट। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कंपाउंड एडजेक्टिव्स फाउंड बाय एडिंग वर्थ इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज। वो क्या कि जब वर्थ आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जिस नाउन के को क्वालिफाई कर रहे हैं ना, ये उस केस में उसके बाद लिखे जाते हैं। अभी तक हमने क्या किया, देखो कि यूजली ये नाउन से पहले आ रहे हैं, राइट, तो इस केस में नाउन के बाद आएंगे। ठीक है, जैसे दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, देखने लायक क्या है, उसकी क्वालिटी है, राइट, तो कहां पे लिखे है सेंटेंस के एंड में, वो जो नाउन आया उसके बाद लिखी उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन देन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन। ये कौन सा आ गया, जो अभी वहां पे आप करके आए थे, एरर भी आया था ना, मैंने आपको कहा था कि ये रूल होता है दे वाला, ये वो वाला रूल है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको दे की जगह दोज करवाया था, राइट, तो ये वाला रूल फॉलो करके चलते हैं। वहां पे ये नहीं मैटर करता कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, राइट। जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन में फिर क्या केस आता है, दैट दोज वाला, राइट। ठीक है, किस चीज को इग्नोर करने के लिए, रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए। ठीक है, देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन, वो तो चलो आगे नीचे बात ही उसने की हुई है। ठीक है, तो ये बस रूल्स हैं, ये रूल्स घर से पढ़ के आना, जो नहीं समझ में आता वो मेरे से पूछना। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी साइड बाय साइड आपने सारी की सारी ट्राई करके आनी। ठीक है, वैसे तो हो ही गए, देखो मेरी बात फर्दर और फार्दर मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, नेक्स्ट पेज पे देखो एंड से चल रहे हैं एक बार हम, एंड देखो फर्दर और फार्दर हम कर चुके हैं, क्या डिफरेंस है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू में भी हम डिफरेंस कर चुके हैं, लिटल अ लिटल द लिटल में भी हम डिफरेंस कर चुके हैं, राइट। लेस एंड फ्यूअर का देख लेते हैं क्या है इसमें, लेस एंड फ्यूअर डू नॉट यूज लेस व्हेन फ्यूअर इज रिक्वायर्ड, लेस रेफर्स टू क्वांटिटी एंड थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, फ्यूअर रेफर्स टू, ये हमने किया हुआ है, राइट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, वी ऑलवेज यूज टू विद द वर्ड्स लाइक सुपीरियर, वो हम कर चुके हैं, इट्स सुपीरियर टू और नॉट, देन नहीं, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स और क्लास of things the comparative should be used, कर चुके हैं, बस ये सारे कर चुके हैं, ये रूल सारे हो चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज घर से ट्राई करके लाना, वर्ब की भी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भी, एंड एडजेक्टिव्स की भी, एंड एडवर्ब की भी करवाने लगे हम, ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा आज, ये मतलब ये जो एक्सरसाइज है ऐसे नहीं कि घर से कल ही आपने करके लानी है, करते रहना साइड बाय साइड, एक दिन आज एक कर लेना, टाइम हो तो दो कर लेना, राइट। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें देखो मैंने कोई नोट्स नहीं बनवाए, तब भी तो मैंने फिर टॉपिक ये पिक किया, वैसे टेक्निकली भी यही ही होने थे आज, क्योंकि मैंने टेंसेस करवाने हैं इसके बाद, और टेंसेस फिर मैं आज, वैसे मैं सोच के ये आई थी कि मैं आज टेंसेस करवाऊंगी, यूजली बहुत छोटे टॉपिक होते हैं तो मैं बाद में करवाना प्रेफर करती हूँ, बट आज स्टूडेंट्स ही नहीं आए तो फिर टेंसेस मैंने इसलिए कवर नहीं। ठीक है, मेरा प्लान था इधर टेंसेस और आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, आई वांटेड टू गो फॉर दीज, सो स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, सो अब उन्हें बोलना कि लेक्चर देख लेंगे, बस रूल्स लिखे हुए हैं सबको अच्छे से पढ़ ले, जो चीज नहीं समझ में आती वो पूछना पड़ेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो दे हैव टू वर्क लिटिल बिट हार्ड, राइट, दे हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, एंड समटाइम्स आपने देखा है कि रूल्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो जो नहीं समझ में आएंगे whosoever is listening to this lecture, please consult it with me, okay? Okay, so adverb, देखो adverb का क्या case रहता है,
एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब होती है जो नाउन को छोड़ के बाकी सबको क्वालिफाई करती है, राइट? ठीक है, एडवर्ब सुनने से लगता है कि ये जैसे नाउन एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब वर्ब को करती होगी, वर्ब को तो करती करती है, ये हर किसी को क्वालिफाई कर जाती है, इनफैक्ट ये अपने आप को भी क्वालिफाई कर जाती है, और ये भी शायद मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया, राइट? एग्जैक्टली, तो वो बस बेसिक ही है ये, इससे आगे कुछ है ही नहीं। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपने यहां से देख के एक्सरसाइज ट्राई करनी है और वो हो जाएंगे। एडवर्ब्स दी हुई हैं, सिंपल एडवर्ब्स हैं, ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, क्वालिटी, इनमें कुछ समझाने वाला है नहीं। इसको कर लेंगे, ये खुद ही करने वाले हैं, इनको इनको एक बार पढ़ लेना, ऐसे इनमें कुछ भी है नहीं, ठीक है? बाकी फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं, एक्सेप्ट नाउन, ये हर किसी सेंटेंस के हर किसी पार्ट को क्वालिफाई करते हैं, इवन आर्टिकल तक को ये क्वालिफाई कर देते हैं, प्रेपोजिशन पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देते हैं, राइट? तो इसकी एक्सेस इसके एरर बहुत कम आते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो हमें पर्सन पे होता है ना, कब वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, सेम टाइम पे वही सेंटेंस पूरे के सॉरी वही वर्ड पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा होता है, और वहीं पे ही वही सेंटेंस सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो ये उसकी पोजिशन मैटर करती है कि हमने उसको कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो एडवर्ब्स के एरर हैं वो बहुत कम आते हैं इस वजह से, ठीक है? सो टुमोरो वी विल कवर प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स और टेंसेस, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, इफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट वुड बी हियर देन वी विल गो फॉर टेंसेस फॉर श्योर, ओके? अदरवाइज वी विल गो फॉर आर्टिकल्स विच आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बाय द वे, राइट? और प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के केस से मुझे याद में आया, प्रेपोजिशन देखो सिर्फ रूल्स करने से कुछ नहीं होगा, राइट? तो अभी आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपने सिर्फ देख के आना है, नॉट प्रेपोजिशंस, दिस लिस्ट, राइट? अब अगले पूरे वीक तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका क्या काम है, आपने सुबह क्लास में आके ये सारे की सारी प्रेपोजिशन की लिस्ट को देखना है, आपने रात को सोने से पहले सारी की सारी लिस्ट को देखना है, ठीक है? ये कब आपके माइंड में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, एंड दैट्स नॉट इट, ये आगे भी देखो, ये जितने भी ये सारे के सारे, अब आप डिसाइड कर लो, ये नहीं सारे के सारे एक दिन देखने बैठ जाओ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये पर्टिकुलर वर्ड्स अपने इस प्रपोजिशन को प्रोसीड करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ये सारे वर्ड कवर हो जाने चाहिए। प्रपोजिशन के रूल्स मैं आपको करवाऊंगी, बट इसमें कुछ करवाने वाला नहीं है कि जो वर्ड अपने साथ टू प्रपोजिशन लेगा तो वो लेगा, राइट? इसमें उस कुछ भी नहीं समझा सकती मैं आपको। तो ये जो सारी लिस्ट है ये क्या दी हुई है कि जो कैनवस है वो अपने साथ फोर ही प्रपोजिशन लेगा, कंकर अपने साथ इन लेगा, इंटरेस्ट अपने साथ इन प्रपोजिशन लेगा, कुछ वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर प्रपोजिशंस को फॉलो करते हैं, एंड वो आपको पता होने चाहिए कि वही कि अगर एक वर्ड जो आपने यहाँ से मिस कर दिया और आपको नहीं पता उसके साथ क्या प्रपोजिशन आती है, तो आप एरर फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो पूरे के पूरे वीक में आपका ये काम है, इस पूरे की लिस्ट को देखना, एंड जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका डेली का, कि बिगनिंग में क्या कि आज आपने 10 देखे, कल 20 देखे, 30, 40, फिर एक टाइम पे आपकी लिस्ट सारी की सारी कवर हो गई, तो नेक्स्ट डे से आपका क्या कि डेली देखो, ये वर्ड अपने साथ ये वाली प्रपोजिशन लेता है, वाला वर्ड ये वाली प्रपोजिशन लेता है, क्लियर है? ठीक है, जो रूल्स हैं वो तो करवाने ही हैं, नो डाउट इन दैट, बट इनको लेके मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, यू हैव टू गो थ्रू दिस, ओके? अब नया टॉपिक क्या ही शुरू करना अब तो, ठीक है? ओके, सो विल सी यू टुमारो, आई होप स्टूडेंट विल बी हियर, विशाल तो मैं कुछ ही वो एग्जाम के लिए गया हूँ, पर प्लीज करना, ओके ओके।